हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, MI ने अपना एक ब्रांड न्यू पावर बैंक मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि इकलौता ऐसा पावर बैंक है जो मार्केट में आपको 50 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग दे देता है और इतने अमेजिंग प्राइस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ MI पावर बैंक हाइपरसोनिक 20,000 mAh 50 वॉट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक के बारे में, जो कि दोस्तों मार्केट में लॉन्च हो गया एज क्राउड फंडिंग। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस पावर बैंक को अमेजिंग प्राइस पे खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी MI पावर बैंक बूस्ट प्रो, जिसपे आपने अराउंड 12,000 से भी ज्यादा व्यूज दे दिए और काफी प्यार दे रहे हैं आप उस वीडियो पे, तो उसमें दोस्तों जितने भी कॉमन डाउट्स थे हमारे सब्सक्राइबर्स के, उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में इस पावर बैंक के लिए कवर करूंगा। चाहे वो डाउट्स हो एयरप्लेन में कैरी करने वाला, या फिर इसकी क्या आउटपुट है क्या इनपुट है, सारी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। और एक बेसिक कंक्लूजन आपको मैं बता दूंगा कि इस बजट में क्या आपको ये पावर बैंक खरीदना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, और साथ ही साथ एक बेसिक कंपैरिजन करूंगा MI पावर बैंक बूस्ट प्रो के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल ही ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, गिव अवे और जितने भी डील्स और ऑफर्स है सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि MI पावर बैंक हाइपरसोनिक 20,000 mAh पावर बैंक के क्या अमेजिंग फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पावर बैंक की आउटपुट है 50 वॉट तक की। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 50 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट चार्जिंग आउटपुट है अभी तक के जितने भी पावर बैंक्स मार्केट में हैं। और दोस्तों, लैपटॉप को भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स को भी कर सकते हैं और स्मॉल डिवाइसेस को भी कर सकते हैं, तो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस पावर बैंक की डिजाइन की, तो ये पावर बैंक आ जाता है प्रीमियम मैट ब्लैक एक्सटीरियर डिजाइन के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफी प्रीमियम लुक के साथ और मैट फिनिश में पावर बैंक आता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाता है डुअल USB A चार्जिंग पोर्ट और USB C यूनिवर्सल चार्जिंग कंपैटिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, दो USB A चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल USB चार्जिंग पोर्ट होते हैं, और साथ ही साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, जो कि इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर देता है आपको पावर बैंक में। और दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो ये पावर बैंक आता है 20,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ, जो कि दोस्तों लिथियम पॉलीमर कोर बैटरीज हैं, और साथ ही साथ 16 लेयर चिप प्रोटेक्शन के साथ आ जाता है पावर बैंक। और दोस्तों अगर बात करें इसकी चार्जिंग आउटपुट की, तो दोस्तों इसमें आपको 45 वॉट तक की लैपटॉप चार्जिंग आउटपुट मिल जाती है, जो कि पावर डिलीवरी 3.0 सपोर्ट करता है। जैसा आप जानते हैं, हमने MI पावर बैंक बूस्ट प्रो की वीडियो में बताया था कि पावर डिलीवरी 3.0 आपके चार्जिंग को काफी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है और भी ज्यादा स्पीड में आपकी चार्जिंग होती है किसी भी डिवाइस की। और दोस्तों 50 वॉट तक की चार्जिंग आउटपुट मिलती है आपको स्मार्टफोन्स के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों 45 वॉट तक की इनपुट चार्जिंग मिलती है आपको इस पावर बैंक में। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, MI के लेटेस्ट चार्जर 67 वॉट तक के चार्जिंग कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं, और जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं वो फास्ट चार्जिंग एलिजिबिलिटी के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और लेटेस्ट मार्केट के लिए MI ने लेटेस्ट पावर बैंक निकाला है, जिसमें आपको 50 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। और दोस्तों अगर बात करें विद एग्जांपल की, कितने टाइम में कितने डिवाइसेस को कैसे चार्ज करेगा, तो दोस्तों MI ने यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स दिए हैं कि लेनोवो L480 को Xiaomi का ये पावर बैंक चार्ज कर देगा 2 hours 27 minutes में, MI 11X Pro 1 hour 5 minutes में चार्ज कर देगा, और MI 10 5G 1 hour 10 minutes में कर देगा, और MI Watch Revolve 2 hours 20 minutes में कर देगा। और दोस्तों ये जो स्मॉल डिवाइसेज हैं, इतना टाइम इसीलिए देते हैं क्योंकि इनकी चार्जिंग करनी होती है स्लो चार्जिंग प्रोसेस से, ताकि इनकी लाइफ बड़ी रहे। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है स्लो चार्जिंग का भी फीचर, जिससे दोस्तों आप पावर बटन को अगर डबल प्रेस करेंगे तो ये स्लो चार्जिंग मोड में चला जाएगा, और आप इससे छोटे डिवाइसेज जैसे कि स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, सबको चार्ज कर सकते हैं विद स्लो चार्जिंग मोड। तो दोस्तों MI वॉच रिवॉल्व को ये 2 hours 20 minutes तक की चार्जिंग टाइम लेगा। और दोस्तों अगर बात करें कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों 3 hours 50 minutes में आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम इनपुट से, यानी कि 45 वॉट्स फास्ट चार्जिंग के थ्रू। और दोस्तों अगर बात करें इसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बारे में, तो Xiaomi ने दोस्तों काफी ध्यान दिया है इसकी सिक्योरिटी पे, और ये BIS सर्टिफाइड पावर बैंक है, और साथ ही साथ इसमें आपको टेम्परेचर रेजिस्टेंस, रीसेट मैकेनिज्म, चिप थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन, इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनकरेक्ट इंसर्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटपुट ओवर करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरचार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज, आउटपुट अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इनपुट अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनपुट आउटपुट शॉर्ट सर्किट, इनपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल और इंटेलिजेंट पावर सप्लाई एप्लीकेशन, जैसे 16 चार्जिंग प्रोटेक्शन मिल जाती हैं, जो कि दोस्तों आपके पावर बैंक को 16 लेयर चिप प्रोटेक्शन के साथ एनेबल्ड कर देता है। तो दोस्तों अगर इस पावर बैंक की डायमेंशंस की बात करें, तो ये पावर बैंक अराउंड 7.35 सेंटीमीटर चौड़ा है और
15.35 सेंटीमीटर लंबा है। दोस्तों अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ 2.75 सेंटीमीटर मोटा है। तो दोस्तों काफी अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ ये पावर बैंक आ रहा है। और दोस्तों अगर बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा एक पावर बैंक, USB C to C केबल मिल जाएगी और एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे दिया और सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बता दिए इस पावर बैंक के डिटेल में। तो दोस्तों अब इस पावर बैंक के बेसिक डाउट्स जो ज्यादातर लोगों को मेरी पिछली वीडियो में आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं, और 90% लोगों के दोस्तों ये डाउट्स होते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये पावर बैंक टाइम लेता है 3 hours 50 minutes का और 45 watt की इनपुट है इसकी। और दोस्तों अगर बात करें इसकी आउटपुट की तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट 50 watt है जो स्मार्टफोन्स के लिए और 45 watt है लैपटॉप्स के लिए। और दोस्तों अगर बात करें कि क्या आप इसको कैरी कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, तो दोस्तों हाँ, ये 20,000 mAh का पावर बैंक इसीलिए MI ने निकाला है ताकि आप इसको इजिली कैरी कर पाए फ्लाइट्स में, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो MI पावर बैंक बूस्ट प्रो है वो 30,000 mAh का है, तो उसको आप बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इससे लैपटॉप्स को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसका DC इनपुट होना चाहिए जो कि दोस्तों USB टाइप A केबल से भी चार्ज हो सकता हो। दोस्तों अगर बात करूं कि कितनी बार आप एक स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, तो एवरेज दोस्तों अगर आप एक 4000 mAh का स्मार्टफोन कंसिडर करें तो उसको आप 3.5 बार यानी कि 3.5 times चार्ज कर सकते हैं इस पावर बैंक के थ्रू। तो दोस्तों ये मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसका क्या प्राइस है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि Xiaomi ने MI पावर बैंक हाइपरसोनिक 20,000 mAh को लॉन्च किया है एज क्राउड फंडिंग उसकी ऑफिशियल MI स्टोर पे, जिसका प्राइस है दोस्तों 3,499 rupees। जी हाँ दोस्तों, ये इनिशियल प्राइसिंग है और हो सकता है अगर ये क्राउड फंडिंग पूरी हो जाए तो उसके बाद दोस्तों इसका प्राइस बढ़ जाए और ये मार्केट में लॉन्च हो जाए ऑफिशियली। लेकिन अगर दोस्तों अभी आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका अभी बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा 3,499 rupees में। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बेस्ट पावर बैंक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से किसी भी पावर बैंक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्राइस बता दिया, लॉन्च बता दिया, कहां आप इसको खरीद सकते हैं सब बता दिया है, और दोस्तों साथ ही साथ आपके डाउट्स भी क्लियर कर दें। अब एक बेसिक कंपैरिजन कर देते हैं दोस्तों MI पावर बैंक बूस्ट प्रो के साथ। तो दोस्तों वो पावर बैंक असल में 30,000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है और ये पावर बैंक 20,000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके पास कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलता है, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट पावर बैंक रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज करते हैं जिसमें आपको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग या अराउंड 24 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो आपके लिए दोस्तों MI पावर बैंक बूस्ट प्रो या MI के दूसरे पावर बैंक भी काफी रहेंगे, और उनका प्राइस दोस्तों अराउंड 2,000 to 2,500 है, तो आप उनको भी जाके प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक कंपैरिजन करके बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सा पावर बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल ऑल इन वन वीडियो थी दोस्तों, काफी मेहनत लगती है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट्स में जरूर अपने डाउट्स पूछिए, हम विदिन 24 आवर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। और दोस्तों टेक मंजिल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।